अभिनेत्री दीपिका पादुकोण का शुमार बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में होता है। अभी हाल ही में रिलीज उनकी फिल्म पठान ने कामयाबी के कई रिकॉर्ड ब्रेक किए हैं। दीपिका जहां अपने आने वाली फिल्म फाइटर में अब बिजी हैं, वहीं वो अक्सर अपने लुक व सोशल मीडिया पर एक्टिव होने से ट्रोलर्स का शिकार हो जाती हैं। दीपिका पादुकोण हाल ही में मुंबई एयरपोर्ट पर लूज ट्रैक शूट के साथ लॉन्ग कोट में स्पॉट की गईं। दीपिका पादुकोण की ये फोटो जैसे ही सोशल मीडिया पर आई वायरल हो गई। दीपिका पादुकोण ने नारंगी कलर में लूज कोट पहना हुआ था और उसी में पेपराजी को वो पोज दे रही थी। वैसे तो दीपिका पादुकोण इस लुक में बेहद ही खूबसूरत लग रही थी, पर बावजूद इसके वो ट्रोलर्स के निशाने पर आ गईं। दीपिका के इस लॉन्ग कोट पर सोशल मीडिया यूजर्स कई तरह के रिएक्शन दे रहे हैं। अधिकतर यूजर्स लंबे कोट के लिए दीपिका पादुकोण की आलोचना कर रहे हैं। एक ने लिखा है कि लगता है दीपिका के सोचने समझने की अपनी क्रिएटिविटी खत्म हो गई है, तभी तो उन्होंने पति रणवीर सिंह की लूज जैकेट पहन ली है। यूजर्स इसी तरह के कमेंट्स कर दीपिका पादुकोण के पहनावे का मजाक उड़ा रहे हैं। वैसे दीपिका का काले चश्मे में ये लुक उनकी सुंदरता में चार चांद लगा रहा है। इस ड्रेस में दीपिका की आलोचना करने के अलावा कई यूजर्स ऐसे भी हैं जो उनके इस लुक की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। जानकारी के मुताबिक दीपिका दिल्ली से अपना शूट कंप्लीट करके लौटी हैं। वो ऋतिक रोशन के साथ फिल्म फाइटर की शूटिंग आजकल कर रही हैं। दीपिका पादुकोण ने इससे पहले इकोनॉमी क्लास में सफर करके सभी को चौंका दिया था। दीपिका का हाल ही में अपने एक इंटरव्यू में ये भी कहना था कि वो रोमांस के बजाय वंडर वुमन या फिर हॉलीवुड की फिल्म बैट वुमन जैसे किरदार निभाना चाहती हैं। बहरहाल अब दीपिका के फैंस उन्हें ऋतिक के साथ पहली बार देखने के लिए बेताब हैं। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब लहरें।